हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 15.1। एंड स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्वेश्चन नंबर के से डिस्कस करना था बेटा, आई थिंक। ठीक है, के नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। क्लास आपकी है 7th, मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 15.1। ठीक है, सो के नंबर जो क्वेश्चन है आपका स्टार्ट करना था। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 9 एंड AD इज इक्वल टू 6 मीटर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो ओके, सो ये देखिए, शायद फिगर दिया भी है। ठीक है, सो ये जो फिगर दिया गया है बेटा, ठीक है, ACB एंड दिस इज D। ओके, सो AB इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल्स टू सिक्स सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए, इस क्वेश्चंस में एक ये 90 का जो होना कंपलसरी, अगर ये नहीं होगा तो हम एरिया नहीं फाइंड कर पाएंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बेस इज BC एंड BC के अकॉर्डिंग हाइट क्या हो जाएगी, AD। ठीक है, सो हाफ BC लेंथ 9 एंड AD लेंथ 6, कट कर लेंगे 2 3 जा और आंसर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल AB एंड C, ठीक है, एक के हो गया। एल नंबर क्वेश्चंस भी और सॉरी एल्टीट्यूड CE भी फाइंड करना है। CE जो ये जा रहा है, ये भी इस पर 90 का एंगल। तो देखिए, कभी भी फॉर्मूला, अगर एरिया, अगर बेस हम AB ले लें और अब की बार एल्टीट्यूड CE ले लें, तो क्या एरिया चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, कभी नहीं चेंज होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब की बार AB और AB को हम क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, बेस इंटू HEIGHT हाइट। सो हाफ बेस है हमारा AB एंड हाइट है हमारी CE। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो 27 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 27 और 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, AB की वैल्यू दी गई है 12 एंड CE हमको फाइंड आउट करना। ठीक है, सो ये हो जाएगा 54 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू CE। 3 से कट कर, 2 से कट कर लेंगे, 2 6 जा 12, 2 27 जा 3, 2 जा 6, 3 9 जा, तो CE की वैल्यू जो है वो 4.5 सेंटीमीटर बेटा निकल आएगी। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन L देख लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज सेम एज दैट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 16 मीटर। सो यहाँ कंडीशंस दी गई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो सेम है एरिया ऑफ स्क्वायर के, जिसकी साइड क्या दी, जिसकी साइड जो है वो क्या है, 16। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो L इंटू B है और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है साइड इंटू साइड है। ठीक है, और लेंथ भी रेक्टेंगल की दी गई है 32। ठीक है, सो लेंथ की जगह लेंथ पुट कर देंगे, 32 इंटू B अननोन है
एंड साइड जो है हमारी 16 × 16 की है, सो बी इज इक्वल्स टू 16 × 16 / 32। 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32 एंड 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। सो वैल्यू ऑफ बी जो होगा वो हो जाएगा 8, ठीक है, एंड मीटर। ठीक, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। सो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, बाय, टेक केयर।